जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरस्थ एवं दुर्गम इलाकों में निवास करने वाले लोगों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके कल्याण की बात आती है तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम या बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम प्रमुखता से आता है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्यमान अपर्याप्त अवसंरचना, निराशाजनक आर्थिक विकास, गरीबी और लोगों में असुरक्षा की भावना जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साल 1987 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी BADP की शुरुआत की गई। हाल ही में भारत चीन सीमा विवादों के मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के मकसद से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बताते चलें कि साल 2020-21 में इस कार्यक्रम के लिए 784 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस कार्यक्रम के लिए 825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। हालिया दिशा निर्देशों के तहत इस कार्यक्रम की 10% धनराशि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में परियोजनाओं पर व्यय किया जाएगा। साथ ही चीनी सीमा को सुदृढ़ किया जाएगा। आपको यह भी अवगत करा दी कि यह दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। इसके अलावा इस कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि का 10% हिस्सा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप आरक्षित किया जाएगा और शेष 80% धनराशि असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में खर्च किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कोष के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के अंदर सड़क, पुलिया, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, सिंचाई कार्य, मिनी स्टेडियम आदि का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से सीमावर्ती क्षेत्रों को आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ने में सहायता होगी। देश की सुरक्षा के लिहाज से लोगों के बीच एक सकारात्मक धारणा बनेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक और सैन्य उपकरणों को शीघ्रता से पहुंचाया जा सकेगा। इस आधार पर देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन इसके वास्तविकता के धरातल पर आने का इंतजार करना होगा।